और ये डबल इंजन की सरकार, एक तरफ हमारा केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार, तो लगातार विकास की प्रक्रिया बहुत गतिशील हुई है। हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है, इकोनॉमी बदली है, एग्रीकल्चर बदला है, हेल्थ सर्विसेज में सुधार हुआ है, एजुकेशन में सुधार हुआ है, हमारे बिजली में अभी 40% बिजली सोलर की आई है, काफ़ी बड़े प्रमाण पर एक नया परिवर्तन हुआ है। और इसलिए लोगों के मन में ये विश्वास आया है जो पॉजिटिव है कि अपनी आशा अपेक्षा और आकांक्षा ये सरकार पूरी कर सकती है, और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को इन सब होने वाले राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और हम अच्छे वोटों से चुन कर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। लोग कहते हैं कि खास करके जो पहाड़ी राज्य है उसमें जो रास्ता जाता है वो रास्ता आप बनाते हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट की बात होती है, तो क्या विशेष? देखो, हमने तो 14 साल में 2014 के बाद 22 तक 8 साल में जितना रोड का काम हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 65-66 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 8 साल में हमने किया है। और मैं ये कोशिश करता हूँ और मेरा लगता है कि मैं हम इसमें कामयाब होंगे कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। हमने जलमार्ग बनाए, पोर्ट का विकास किया, पोर्ट में मैं मंत्री था तब 7,000 करोड़ का फायदा हुआ, हमने गंगा को शुद्धिकरण किया, जो जो अच्छे काम किए हैं वो लोगों के सामने, अभी इथेनॉल आया, हम चाहते कि हमारे किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने, और इन सब बातों पर ज़मीन पर जो सक्सेस स्टोरी बनी है उसी के आधार पर आशा अपेक्षा और आकांक्षाएं लोगों की बढ़ी है, इनका सबका उपयोग करके हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, बहुत सारे राज्यों में ट्रेडिशनली मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी का रहा है, पर आम आदमी पार्टी अपने आप को आजमा रही है, खास करके गुजरात में फ्रीबीज के वादे करती है। आप हमेशा से कहते रहे कि फ्रीबीज, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री, देयर इज नो फ्री लंच, ये आम आदमी पार्टी का पैतरा का काम आएगा? देखिए, जिनको कभी केंद्र में सत्ता के आने की संभावना नहीं वो कुछ भी वादे कर सकते हैं, पेंशन बढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्योंकि उनको आना ही नहीं है कहीं। देखिए, घोषणाएं करना और वादे करना इससे कोई मतलब नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम करके दिखाया, हम जो बोलेंगे वही कहेंगे, जो कहेंगे वही बोलेंगे, और जो है वो करके दिखाएंगे, ये हमारी प्रतिमा है और निश्चित रूप से हम करके दिखाएंगे। पर सर, जिस तरह की भाषावली का प्रयोग होता है, खास करके केजरीवाल जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं आपके नेताओं के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, आप हमेशा से कहते हैं कि राजनीति में भी एक स्तर हमेशा मेंटेन करना चाहिए। देखिए, राजनीति में मतभिन्नता होनी चाहिए पर मनभेद नहीं होना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, और मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम तो सबको लेकर साथ में काम करना चाहते हैं। ठीक है, चुनाव में कोई पार्टी आएगी कोई जाएगी, ये चलता रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे सरकारें आएगी बदल जाएंगी, लोग आएंगे बदल जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे बदल जाएंगे, पर लोकतंत्र यही रहेगा और देश भी वही रहेगा। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और इसीलिए हमारी विचारधारा की 3 विशेषता, राष्ट्रवाद, राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति और विकास, ये हमारा आत्मा है। और राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति और विकास करने के लिए अगर हम रूलिंग पार्टी में हैं तो हम सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, इसके ऊपर काम करेंगे। और उद्दिष्ट हमारा जो है वो अंत्योदय है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन है, सामाजिक चिंतन है, कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, और जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहें, और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जब इस मिनिस्ट्री का चार्ज लिया तो लोग मुझे पूछते आपने सबसे अच्छा काम कौन सा किया, तो लोगों को लगता मैं टनल, एक्सप्रेस हाईवे की बात करूँगा, मैं कहता हूं कि इस देश में 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे साइकिल रिक्शा में, ये अमानवीय था। मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा लाई, ई कार्ट लाई, और 1 करोड़ लोगों को मानवीय शोषण से मुक्त हुए। आज लगभग साइकिल रिक्शा नामशेष हो गया और इन लोगों को मानवता के आधार पर न्याय मिला, यही हमारी सरकार में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को लेकर मानवता के आधार पर हमने अंत्योदय के रूप में किया हुआ बड़ा काम है। और मैं अक्सर मानता हूँ कि हमारे सरकार में मुझे ये काम करने का मौका मिला, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि हमारी संवेदनशीलता गरीब के साथ जुड़ी हुई है। आपने देखा है कि क्या हाल है दिल्ली में, खास करके NCR रीजन में। सर, हर साल की ये कहानी होती है, सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, व्हीकुलर पॉल्यूशन को ब्लेम करते हैं, किसका दोष है और क्या सोल्यूशन?
देखिए, मैं दो फिलॉसफी की अक्सर बात करता हूँ। पहली फिलॉसफी है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज टू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात मैं अक्सर कहता हूँ कि नो वन इज़ बेस्ट, नो मटेरियल इज़ बेस्ट, नो पर्सन इज़ बेस्ट। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट विजन, एप्रोप्रिएट लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट बेस्ट इनटू वेल्थ। और इसीलिए मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ और मुझे खुशी है कि दिल्ली में पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, इसको दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं दिल्ली के आजू बाजू में 60,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ, कुछ पूरे हुए, कुछ काम चल रहे हैं। तो पहली बात, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात, पेट्रोल डीजल के कारण फॉसिल फ्यूल का 16 लाख करोड़ का इम्पोर्ट है, उसके कारण हमारे यहाँ हमने इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक और अब ग्रीन हाइड्रोजन लाया। मैं ग्रीन हाइड्रोजन के गाड़ी में घूमता हूँ, प्रचार करता हूँ कि अब ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ, हाइड्रोजन मिशन आ रहा है। इलेक्ट्रिक की बसेस आ गई, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा आ गई, इलेक्ट्रिक की स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक की बसेस, अभी हमारे देश में 5,500 बसेस का टेंडर आया। एक डीजल बस चलने के लिए 115 रुपये किलोमीटर खर्चा है और नॉन एसी इलेक्ट्रिक बस को 39 रुपीज़ और एसी बस को 41 रुपीज़। हम एसी बस में लोगों को घुमाकर 25-30% टिकट रेट कम कर सकते हैं। तो अभी डबल डेकर इलेक्ट्रिकल बस मैंने अभी मुंबई में लॉन्च की, अब डबल डेकर बस चालू हो जाएगी। तो धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन 16 लाख करोड़ का है और इसलिए हमारा देश का किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी तैयार करें। हमने परली से बायो सीएनजी, बायो एएनजी, एलएनजी बनाया जिसमें ट्रैक्टर और बसेस चल सकती है। परली से पानीपत में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला गया है जिसमें से इंडियन ऑयल ने डाला है, मुझे बहुत खुशी है, बहुत दिनों से हम उसके पीछे थे और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। आप जरा जाओ वहाँ, परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे और 150 टन बायो बिटुमिन बन रहा है। और मैंने इंडियन ऑयल को कहा आप जितना बिटुमिन बनाओ उतना मैं खरीद लूँगा रोड के लिए। अब नई टेक्नोलॉजी सीएसआर और हमारे सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन का मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ और 2 महीने में हम एक नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं कि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति एक ट्रैक्टर मोल्डेड ऐसा यूनिट करेगा जिसमें परली डालकर एक लिक्विड बायो बिटुमिन तैयार होगा और हम रोड में डालेंगे, हम खरीदी करेंगे। तो परली से बिटुमिन बनेगा तो परली जलाने की आवश्यकता नहीं है। अब परली को अगर 2,000 रुपये लीटर, अगर 2,000 रुपये टन भाव मिलेगा तो परली बेची जाएगी। अगर ये जो गाजीपुर की वेस्ट है इसको सेग्रीगेट करके ऑर्गेनिक वेस्ट से ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, गंदे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा और सेग्रीगेट करने के लिए रूफ टॉप सोलर होगा तो 70% प्राइस ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पावर की है। तो मेरा सपना है कि $1 per kilo अगर हाइड्रोजन बनेगा तो 450 किलोमीटर हमारी कार चलेगी। बंगलो अभी जर्मनी में 1,000 किलोमीटर ट्रेन ग्रीन हाइड्रोजन पर चली, हमारे हवाई जहाज हाइड्रोजन पर चल रहे, हमारी केमिकल फैक्ट्री, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, स्टील इंडस्ट्री में कोयले के बजाय हाइड्रोजन पर चलेंगे बॉयलर। वो दिन अब दूर नहीं है और लगातार टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे तो पोल्यूशन ही नहीं होगा। और इसलिए इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट ईज है। इथिक्स की बात एजुकेशन और कल्चर और बाकी बातों में होती है। इकोनॉमी की आत्मनिर्भर भारत और $5 billion के काम हम कर रहे हैं वो आपको पता है। अब इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में हमको प्रदूषण को कम करना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबड़े साहब थे, तब उन्होंने मुझे कहा था, मैंने एक प्रेजेंटेशन उनको दिया है, मैं वो कॉपी आपको दूंगा। मैंने इसका अध्ययन किया और मुझे लगता है कि दिल्ली का प्रदूषण हटाना थोड़ा कठिन है पर असंभव नहीं है। राज्य सरकार, महानगर पालिका, भारत सरकार, सब डिपार्टमेंट और वहाँ के किसान, हम सब मिलकर मिलाजुला प्रयास करेंगे तो हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिला सकते हैं। और मैं उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा हूँ, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसमें बदलाव हो, इलेक्ट्रिक फ्यूल आए, बसेस आए और मास रैपिड ट्रांसपोर्ट आए, केबल कार जैसी इलेक्ट्रिक की बसेस शुरू हो जाए और ट्रॉली बसेस। तो अभी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैं नागपुर में ब्रॉडगेज मेट्रो बना रहा हूँ, उसका 2 करोड़ per kilometer खर्चा है और अभी हमारे मेट्रो का 350 करोड़ है। नई नई टेक्नोलॉजी, बेंगलोर में मैं हवा में चलने वाली डबल डेकर बस 200 लोग बैठ के जाएंगे ऐसे चलाने के सूत्र जो इलेक्ट्रिक पर है। तो अभी पहाड़ों पर हम रोप वे, केबल कार, फेनोकुलर रेलवे बना रहे हैं, तो दिल्ली में भी ये हो सकता है। और इसलिए दिल्ली के रोड में ट्रैफिक जाम को दूर करें, दिल्ली का जो ट्रैफिक को यानी पोल्यूशन करने वाले होलसेल मार्केट, गोडाउंस, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज,
इन सबको दिल्ली के रिंग रोड पर, पेरिफेरल रोड पर ले जाने की मैंने योजना तैयार की। अब कंटेनर के डेपो है 7-8, वो दिल्ली के बाहर जाकर रेलवे वहाँ आती, वहाँ लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी योजना मैंने बनाई है और सब लोगों के सहयोग से मैं उसमें मदद करने के लिए तैयार हूँ। भारत सरकार का भी प्रयास है, हमने राजनीति को भूलकर इस विषय को उससे ऊपर उठकर सबने मिलकर काम करना चाहिए। यमुना के जल प्रदूषण के लिए मैंने दिल्ली की सरकार को 6,000 करोड़ रुपए दिए जब मैं वाटर सेवन मंत्री था, काफ़ी काम हुए। मुझे लगता है ये कठिन काम है, डिफिकल्ट है, पर असंभव नहीं है। सबने मिलकर प्रयास किया तो दिल्ली को जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। आवश्यकता है सबने मिलकर एक साथ होकर काम करना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से हम सफल हो सकेंगे, ये मेरा विश्वास है। एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग द वॉट एवर द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट नाउ रिजल्ट्स आर ओपन। वी हैव द वेटिंग लिस्ट फॉर 1 year फॉर 4-wheeler कार, इलेक्ट्रिक कार ऑफ वन ऑफ द प्राइवेट कंपनी। नाउ इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, वी हैव 400 स्टार्टअप हु आर मेकिंग इलेक्ट्रिक बाइक्स, वेरी पॉपुलर, दे आर सक्सेसफुली डूइंग इट। Now in the battery chemistry also we are developing, first of all we are using lithium ion battery, but now we are developing sodium ion, zinc ion, aluminum ion and the aluminum air technology. The all Indian manufacturers are doing excellent job, our IIT, our institutions are doing excellent job, and I feel that our present turnover of the automobile industry is 7.5 lakh crore, out of which 50% is export. Our two wheeler company Bajaj, TVS, Hero, they are 50% of their production, they have their export. So the within 5 years we want to make automobile industry world number one manufacturing hub in the world, and my dream is to make Indian automobile industry the number one manufacturing hub of 15 lakh crore in the country. And electric, the dream is for electric vehicle. I have just got appointed to launch electric car, Mercedes electric car. I encouraging the people for that. For the scooter, everywhere I am going, I am talking about the electric, and today it is a success story. The import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. I am really happy that the transformation moving towards electric very fast. At the same time, we are converting Paralli into bio-CNG, bio-LNG and ethanol. We are making rice from rice straw, Paralli, from bio-bitumen, and we have a lot of successful experiments. And our dream is to make our farmer as not only annadata but as urja data. We are in the process. Now we have Mayogat flex engine car, 100% bioethanol in place of petrol we can use. I have got ethanol generator on 100% ethanol. And now the two wheelers like Bajaj, TVS and Hero, they have got a scooter and bikes and auto rickshaw on 100% bioethanol. The ethanol rate is 60 rupees and petrol rate is 120 rupees. So it is cost effective. And the Toyota, the revenue, they are developing their hybrid engine. The ethanol 100% we are using, and at the same time 40% of electricity is going to generate from that. So the petrol cost now it comes to 20 to 25 rupees per liter. So that is going to be economic effect and advantage to the people by and large. So the all things are moving fast, and I'm confident that the day will come that we will be the number one in the world. What about infrastructure support? Like when the demand is increased, infrastructure is increased. Have you got any example that a charge vehicle, it's a problem for them that there is no charging station? In 670 roadside amenities, we are developing charging station. And now presently, your e-scooter, e-auto rickshaw, e-car, you can charge in your home. You don't need charging station. But when you go from Delhi to Jaipur, Delhi to Ludhiana, Delhi to Amritsar, then there is a need for charging station. We are making 670 charging station on national highway. So the way in which the demand is increased, that the way we will get the stations, that is not the problem. So also one important thing that one has to note is the cost effectiveness, you know, in terms of the expense. When the volume will increase, cost is going to reduce. Now once upon a time, I am giving the example of mobile phone. The cost of the mobile phone was 1,25,000. Now it comes 5,000 rupees. So the same way lithium battery cost is also reduced. And I am confident that day will come that within 2 years, the cost of the petrol vehicle and electric vehicle will be the same. Probably before that it is going to happen. Are you worried about the range anxiety that people have as far as EVs are concerned? No, it's in a process. The research is going on. New development is coming on. So at the time of this process, we are in the process somewhere. There are some small problems are there, but long term,
It is a proven technology. I always telling to people four important pillar of the success of this all fuels. One is proven technology. Second is economic viability. Third is availability of raw material. And fourth is marketability and easily approachable to the common people. These are the four pillars by which we can make the miracles, and India is going to make the miracle as far as the alternative fuel is concerned. I am talking from 2004. Every time about alternative fuel, biofuel. Today I am really happy that all type of people are now recognized and respecting these thoughts. And it is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. If you are going to save the import of 16 lakh crore, you imagine. This money is going to the hands of the poor people, farmers, young talented engineers who can manufacture all these things, and that is going to create more employment potential for the country, and that is going to create more export for the country, and that is exactly the dream of our Prime Minister to make India Atmanirbhar Bharat and making the economy of $5 trillion. So my final question to you, we've seen a lot of improvisation, a lot of amendments as far as the Motor Vehicles Act is concerned. Now with the fact that you also have to wear seatbelts at the back, what is the reason that is being enforced, and are all vehicles equipped with to follow that while challans are being made? Actually, frankly speaking, my department, everything is a success story. I don't have any hesitation to accept it, that we have 5 lakhs accidents, 1,50,000 death, and in the death, the age group 18 to 34, the 65% of the young people are there. I am really very much annoyed about all these things. We are trying our level best to reduce the accident, but still I am not satisfied about the result. We are the highest in the world, and that is the reason. This is four important pillar. One is education, where we need to create awareness in the mind of the people. We need cooperation from the media regarding the people cooperation. Without that, it is not possible. Then automobile engineering, we are taking decisions like all these things which you are referring to me. At the same time, road engineering, we have already spent 35,000 crore for improving the black spots. And we are now improving road engineering. And the fourth is emergency. We are giving ambulances, how we can save the life of the people. Now we are talking of organ transplantation, and we are talking immediately by helicopter ambulance, we can take the accident people, taking to the hospital. We are trying, we are doing, but we need support from the people. And I am really, frankly speaking, I accept that. We are trying our level best, but still, up to the mark. We don't have that much success. Are we going to see any more stricter norms coming into place, including... No, it is not only that it can resolve the problem by only to make the stricter law. We need to change the mindset of the people by and large. They should obey the rules of the road. If the red signal is there, you should stop there. That is to be one of the important problem. There is no fear about the law. And at the same time, there is no respect for the law. This type of behavior of some sort of the people is really bad for the society, not for the society, but for the dead people also. Because of the accident, the people are losing their life. So this is the time that with the cooperation of media, universities, education institution, NGOs, social organization, governments, and everywhere, we need your cooperation, and we need to make this success story before end of 24 end. My dream is to reduce the 50% of accidents and deaths. We are highest in the world. It's really a great painful for me. I'm trying my level best, but I admit that. Still, whatever I'm expecting, I'm not getting the result.